आपको छाप देते क्या, छाप देते क्या, आपको छाप देते क्या, झाँप दिए भाग जाता है। तो आप देखिए दोस्तों, ये एक खतरनाक सांप है, इसका वेनम काफी खतरनाक होता है। ये अमन है, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आप देख सकते हैं पूरे ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई यहाँ पे। एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा क्या है, किसी गड्ढे में छिपा हुआ मट्टी के नीचे। क्या नाम है सर आपको, बोलिए सर, जोर से बोलिए। कैमरा में क्या दोस्त, जगह कौन सा है? ये लक्ष्मीपुर है। कौन से मौके की शुरुआत है ना? खाना क्या पड़ता है आपका? कितना नंबर वार्ड है आपका? ये 11 है। 11 नंबर ना। तो दोस्तों हमें यहाँ का फुल एड्रेस मिल चुका है। और सांप को कितने देर से देख रहे आप लोग? एक घंटे से। कहाँ पे सांप है? यहाँ पे चार जाओ आपको झाँप देते क्या? हाँ झाँप दिए भाग जाता है वहाँ पे। आप देख सकते हैं ये एक खतरनाक सांप है, इसका वेनम काफी खतरनाक होता है। ये अमन है, ये इसका मांस था क्या यहाँ पे, ये था या फिर कहीं और था? ये एक भारतीय नाग है जिसको इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं। और इसका वेनम जो था काफी खतरनाक वेनम होता है। दोस्तों कभी भी अगर सर पर दंश हो जाए तो जितना जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचने का प्रयास कीजिए। अगर झाड़ फूक ओझा गुनी का चक्कर पर रहिएगा तो जहर का एक ही काम होता है, जान ले लेना। जान ले लेगा है ना। सांप काटने के बाद किसी भी इंसान के पास 1 घंटे से 40 मिनट तक का ही वक्त होता है। उस दरमियान क्या करना आपको, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुँचना, तभी क्या जान बच पाएगा। धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि सेवा करने का हमें मौका दिए हैं। अभी तो मेरा काम 24 घंटा होता है, आप सिर्फ नजरें बनाए रखिए सांप पे, हम आपका हेल्प करने जरूर पहुंचेंगे। सोने से पहले मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है, बारिश के मौसम में ज्यादा समस्या होती है सांपों से, ये सूखे स्थान पे चला जाएगा। अपने हुड को तभी फैलाता है जब ये गुस्से में आ जाता है, और हुड को फैला कर ये वार्निंग देता है कि थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए, दूरी बना लीजिए, नहीं तो इसका वेनम काफी खतरनाक होता है। बार बार बता रहा हूँ, इसका वेनम काफी खतरनाक होता है, जान आसानी पूर्वक ले लेगा दोस्तों। तो ठीक है, वीडियो देखकर कॉपी नहीं करना है। जहाँ पे अनाज गिरता है ना, तो वहाँ चूहा आता है, और चूहा आता है अनाज खाने के लिए। और घर में हम लोग का जो घुसता है ना, ये चूहा खाने के लिए दोस्तों घर के अंदर घुस जाता है। तो घर को और किचन को जितना हो सके साफ सफाई रखने का प्रयास कीजिए, नहीं तो ऐसे जहरीले जीव क्या चूहा खाने के लिए घर के अंदर आएंगे और कहीं ना कहीं छिप के ये बैठ जाएंगे। तो आप ध्यान बनाए रखिएगा, घर को साफ सफाई रखिए, क्योंकि ये घर अगर मान लीजिए किसी डब्बे के पीछे रहेगा, आप हाथ डालिएगा तब तो ये तुरंत डस लेगा दोस्तों। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। तो चलिए इसी सब बातों के साथ हम इसे पैक कर लेते हैं। Thank you.
तो ठीक है चलिए चलते हैं। वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे जो कि सेवा करने का हमें मौका दिए। आप देख सकते हैं काफ़ी बिग साइज का ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, तो हम चाहेंगे ये आस्ते आस्ते जंगलों की ओर बढ़ जाए। दोस्तों देख सकते हैं ये जंगलों की ओर भर चुका है। तो चलिए इसी सब बातों के साथ, वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को थोड़ा दूर तक शेयर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे ऐसे जीव जंतु की रक्षा कर सकें। तो चलिए चलते हैं।